एक और वीडियो यार, कुछ लड़के, हम जो लड़के होते हैं ना, चलो हम पिज्जा खाने जाते हैं, कहीं होटल जाते हैं, बार्गेनिंग करने जाते हैं, तो हमारे जहन में होता है कि भाई हम ना लड़कियों को छेड़ेंगे, फर्ज करो बूढ़ी करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स, हम बूढ़ी करेंगे, लड़कियों को देखेंगे, आउटिंग कर लेंगे। लेकिन भाई लड़कियों का पता क्या होता है, आज ना हम ना वॉशरूम में जाके ना इस पोज में पिक्चर खींचेंगे। चलो उसका ना मैं आपको थोड़ा सा ना आइडिया दिखाता हूँ। अब ये देखो ये लड़की क्या करती है, आप खुद देखना। आगे से मैं इनकी और तारीफें बताता हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, कोई इनसे पूछे वॉशरूम में इतनी स्मेल होती है पब्लिक वॉशरूम में, उधर हमारे से सांस तक नहीं लिया जाता, और ये पहले घर से सोच के निकलती हैं, आज ना हम ये वाला पोज में ना आईने के सामने जाकर ना ये वाले पोज में पिक्चर लेंगे। अल्लाह के बंदो, कुछ तो ख्याल किया करो, वॉशरूम में जाना है, पिज्जा खाओ, कुछ खाओ, ये पहले हम ना वॉशरूम में जाके ना पहले ना मेकअप करेंगे। अल्लाह की बंदियों, तुम्हें और कोई काम नहीं मिलता, या तो इनको देख लो कुत्ते वाले फिल्टर, या तो कुत्ते वाले फिल्टर, यार कुत्ते वाले फिल्टर लगाती हो, माना के तुम तुम्हें अपने ऊपर शक है पड़ा, मान लेता हूँ तुम्हें शक है, ठीक है ना, सिंपल टू से मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, कोई और बात नहीं है। लेकिन ये बताओ, वफादारी भी होती है, कुत्ते की जो मिसाल है ना, कुत्ता माना जाता है कि वो वफादार होता है, ठीक है, सिंपल टू से कुत्ते का माना जाता है वो वफादार होता है। और इधर भैंसी दुम भैंस के तुम यार कुत्ते वाले फिल्टर लगाती हैं, यार इतना तुम्हें अकल वकल नहीं है इन लोगों को। अब इधर देखो पब्लिक वॉशरूम में यार इतनी स्मेल होती है, वो उधर से मुंह धो के उसको लग रहा है कि मैं बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, लख लानत है।